व्हाट्सअप गाइज, आप देख रहे हो फायर गेमिंग यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिसेंडेंट ओएस के लेटेस्ट एंड्रॉइड 12 अपडेट की जो आ चुका है हमारे रेडमी नोट 7 प्रो के लिए। इस रोम में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और कैसी परफॉर्मेंस मिलती है ये सब मैं इस वीडियो में आगे आपको बता दूंगा। तो अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हैं इस रोम में आपको कुछ इस तरीके का एक डाटा डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा जो आपके लास्ट 24 आवर्स के वाईफाई एंड डाटा यूसेज तो दिखाएगा ही, साथ में आपका करंट नेटवर्क स्पीड भी शो कर देगा। प्री इंस्टॉल्ड एप्स की बात करें तो सबसे पहले तो आपको व्हाट्स न्यू नाम से एक ऐप मिलेगा जो आपको रोम का करंट चेंज लॉग शो कर देगा। नेक्स्ट ऐप आपको मिलता है जेस्चर मैजिक वाला, इसे आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपको काफी ऑप्शंस मिलेंगे जिन्हें आप अपने अकॉर्डिंग ऑन कर लेना। लाइक यहाँ पे एक ऑप्शन है शुष्क कॉल ऑन फ्लिप, तो जब आपके फोन पे कॉल आएगा और ये ऑप्शन आपने ऑन किया होगा तो कॉल आने के बाद अगर आप फोन को फ्लिप करेंगे तो आपका फोन साइलेंट हो जाएगा। इसी तरह से जो आंसर कॉल वाला ऑप्शन है इसे ऑन करने के बाद आपके फोन पे जब भी कोई कॉल आएगा और आप फोन को ले जाएंगे अपने ईयर के पास तो आपका कॉल ऑटोमेटिकली रिसीव हो जाएगा। प्री इंस्टॉल्ड कैमरा की बात करो तो आपको ये सिंपल सा ब्लू वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा। आप चाहें तो इसे यूज कर सकते हैं या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई और कैमरा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। इस रोम के साथ जो लॉन्चर आपको मिलता है वो है पिक्सल लॉन्चर। आपको डिजिटल हेल्थ नाम से एक और प्री इंस्टॉल्ड एपीके मिलेगा जो आपको स्क्रीन टाइम और कोविड केसेस से रिलेटेड इन्फो दिखाएगा, तो इसे तो आप अपने अकॉर्डिंग ही चेकआउट कर लेना। सेटिंग्स के अबाउट फोन में जाकर एंड्रॉइड पर टैप करने पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे कोई भी डिसेंडेंट का लोगो वगैरह देखने को नहीं मिलता। एंड्रॉइड 12 पे बेस्ड आपको ये रोम मिल जाती है, सिक्योरिटी पैच मिल जाएगा लेटेस्ट जनवरी का और जो कर्नल यूज किया गया है वो है एज्योर ज्यूस प्लस। सिस्टम का यूआई आपको कुछ इस तरीके का देखने को मिलने वाला है। लैंग्वेज एंड इनपुट, जेस्चर, डेट एंड टाइम, स्टेटस बार, ट्यूनर, ये सभी ऑप्शंस आपको कुछ इस तरीके से आइकॉन टाइप देखने को मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे भी व्हाट्स न्यू वाला ऑप्शन मिलता है जिसपे टैप करने के बाद आपका व्हाट्स न्यू वाला एपीके ओपन हो जाएगा। इसके बाद फिर से जेस्चर वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा और सिस्टम अपडेटर आपको देखने को नहीं मिलता। जेस्चर में आपको मिल जाएगा स्वाइप टू स्क्रीनशॉट, इसके बाद डबल टैप टू स्लिप वाले दोनों ऑप्शंस भी आपको यहीं मिलेंगे। बॉटम में आपको मिल जाएगा जेस्चर मैजिक, जिससे वही जेस्चर मैजिक वाला एपीके फिर से ओपन हो जाएगा। सिस्टम नेविगेशन से आप 2 बटन 3 बटन है जेस्चर नेविगेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। जेस्चर नेविगेशन बार से रिलेटेड अभी तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता। सिक्योरिटी में आपको फिंगरप्रिंट अनलॉक मिल जाएगा। वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाकर आप लॉक स्क्रीन और होम स्क्रीन दोनों पर डिफरेंट वॉलपेपर को सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको वॉलपेपर कलर और बेसिक एक्सेंट कलर वाले ऑप्शन भी मिल जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं वॉलपेपर कलर वाला ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा क्योंकि मैंने कोई कस्टम एक्सेंट कलर अप्लाई किया हुआ है। डार्क थीम, थीम डाइकॉन और एप ग्रिड वाले ऑप्शंस भी आपको मिल जाएंगे। डिस्प्ले में आपको यूजुअली मिलने वाले सभी ऑप्शंस के साथ ही कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी मिलेंगे। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आपको लॉक स्क्रीन क्लॉक स्टाइल वाला ऑप्शन मिल जाता है, यहां से आप कोई भी लॉक स्क्रीन क्लॉक अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है एम्बिएंट नोटिफिकेशन लाइट वाला ऑप्शन, इसे यूज करने के लिए आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करना होगा। आपको एक ऑप्शन मिलेगा मोनेट पर्सनलाइजेशन वाला, यहाँ पर आपको कस्टम एक्सेंट कलर सिलेक्ट करने वाले ऑप्शन के साथ और भी कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। आपको एक न्यू ऑप्शन भी मिलता है वॉलपेपर कलर सिलेक्टर वाला जो आपको ओनली इसी रूम में देखने को मिलेगा, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से वर्किंग है। आप होम स्क्रीन वॉलपेपर में से कोई भी एक्सेंट कलर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। क्रोमा फैक्टर और व्हाइट लुमिनेंस वाले ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे, इन्हें भी आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर लेना। आप लाइट और डार्क मोड के लिए अलग अलग व्हाइट लुमिनेंस और क्रोमा फैक्टर भी सेट कर सकते हैं। कस्टम एक्सेंट कलर सिलेक्ट करने वाला ऑप्शन कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। आपको कॉम्पैक्ट टाइल्स वाला भी एक ऑप्शन मिलेगा, अभी आप देख सकते हैं मैंने इसे ऑन नहीं किया, तो क्यूएस पैनल कुछ इस तरीके का है। इस ऑप्शन को अप्लाई करने के बाद कुछ सेकंड्स आपको वेट करना है, फिर जब आप QS पैनल को पुल डाउन करेंगे तो QS टाइल्स का साइज कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलेगा। डाटा डैशबोर्ड इनेबल करने वाला ऑप्शन भी आपको यहीं मिलेगा।
ओनली नोटिफिकेशन और बैटरी एस्टिमेट वाले ऑप्शन भी आपको मिल जाएंगे। साउंड एंड वाइब्रेशन में साउंड एंड वाइब्रेशन से रिलेटेड सभी ऑप्शंस के साथ ही एमआई साउंड एनहेंसर भी आपको मिलेगा और वॉल्यूम पैनल कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलने वाला है। बैटरी में जाने पर आपको मिल जाएगा बैटरी इंडिकेटर, यहां से आप बैटरी स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हैं और बैटरी परसेंटेज को भी इनेबल कर सकते हैं। रोम के बैटरी बैकअप की बात करें तो बैटरी बैकअप आपको अच्छा देखने को मिल जाता है, कोई एक्सेसिव बैटरी ड्रेन आपको देखने को नहीं मिलेगा। नॉर्मल यूसेज में आपको 7 आवर प्लस का स्क्रीन ऑन टाइम इजीली मिल जाएगा स्टॉक कर्नल के साथ। नोटिफिकेशन में आपको नॉर्मली मिलने वाले सभी ऑप्शंस मिल जाएंगे। इसके बाद आपको एप्स में गेमिंग डैशबोर्ड भी मिलता है, बट ये आपके पबजी या बीजीएमआई पे वर्क नहीं करेगा। अब डिवाइस के सर्टिफिकेशन की बात करें तो अभी तो मैंने फोन रूट किया हुआ है, बट विदाउट रूट भी आपका डिवाइस सर्टिफाइड रहता है। विदाउट रूट आप बैंकिंग एप्स यूज कर सकते हैं। रोम का स्मूथनेस की बात करें तो स्मूथ रोम आपको मिल जाती है, यूआई में आपको लैग देखने को नहीं मिलेगा। स्मूथ एनिमेशन आपको मिलते हैं और एप ओपनिंग स्पीड कुछ इस तरीके की मिलेगी। रिसेंट पैनल में आपको सिलेक्ट और स्क्रीनशॉट के ऑप्शन मिलेंगे, लेफ्ट कॉर्नर में मिल जाएगा क्लियर होल का ऑप्शन। गीकबेंच स्कोर्स की बात करें तो कुछ इस तरीके के स्कोर आपको मिलते हैं स्टॉक कर्नल के साथ। सिंगल कोर आपको मिलता है 480 और मल्टी कोर मिलता है 1416। स्टॉक कर्नल पे 5 मिनट तक सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट रन करने के बाद कुछ इस तरीके का थ्रॉटलिंग ग्राफ और जीआईपीएस स्कोर आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करें रोम के गेमिंग परफॉर्मेंस की तो गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, बट अगर आप इसे कंपेयर करेंगे डर्फ वेस्ट रोम के साथ तो डर्फ वेस्ट रोम में आपको बेटर गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। नॉर्मल गेमिंग में आपको इस रोम पे कोई इश्यू नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं इस रोम के डाउनलोडिंग की, तो यहाँ पर डाउनलोडिंग की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस रोम का डाउनलोडिंग मेथड थोड़ा अलग है। नॉर्मल रोम को तो आप किसी भी ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको कोई इश्यू नहीं आएगा, बट इस रोम के साथ सीन थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप इस रोम को डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्रोमियम बेस्ड ब्राउजर लाइक गूगल क्रोम या फिर ब्रेव ही यूज़ करना होगा। अगर आप कोई और ब्राउजर यूज़ करेंगे लाइक 1DM तो डाउनलोडिंग स्टार्ट भी नहीं होगी। रोम को डाउनलोड करते टाइम अगर आपका कनेक्शन एरर हो जाता है या फिर आप डाउनलोडिंग को पॉज कर देते हैं तो आपको पूरी रोम को फिर से डाउनलोड करना होगा। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं।